तो यहाँ पे हमारा जो वोटिंग वोटर्स पैनल है वो रेडी हो चुका है। अब इसको मैं यहाँ से लॉग आउट कर लेता हूँ और एक सेकंड के लिए वापस अपने जो है एडमिन पैनल पे आ जाते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कीजिएगा कि इस इलेक्शन जो भी हमारी ऐड की हुई है इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो क्या है। स्टार्टिंग डेट थी 29 और इसकी एंडिंग डेट थी 31 अक्टूबर। और आज अगर आप इधर नीचे देखें तो डेट क्या है, 2 नवंबर है। तो इसको ऑटोमेटिकली जो है ना डीएक्टिवेट या इनएक्टिव या एक्सपायर्ड होना चाहिए था। तो इस चीज़ को करने के लिए अब हम इस पर थोड़ी सी ऑटोमेशन लगाते हैं। ऑटोमेशन कह सकते हैं आप इन सम टर्म्स, लेकिन मैं इसको प्रॉपर ऑटोमेशन नहीं कह सकता क्योंकि मैं तो सिंपल क्यूरी के साथ इसको करने वाला हूँ। ऑटोमेशन के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, थोड़ी सी एडवांस लेवल पे जाके क्रॉन जॉब्स बनाते हैं जो कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होती हैं एट द स्पेसिफिक टाइम। तो वो अभी हम इसमें नहीं देखने वाले। तो इसमें मैं अभी जो आपको दिखाने वाला हूँ वो मैं किस तरह से इसमें ऑटोमेशन लगाने वाला हूँ, बेसिकली वो ये है कि इसको मैं लॉग आउट कर रहा हूँ। तो ये जो स्क्रीन है, जब भी इस पे कोई भी यूज़र आए, जब भी कोई भी यूज़र आए तो यहाँ पे मैं एक क्यूरी लगा दूंगा जो कि एग्जीक्यूट हो ऑटोमेटिकली, बैकएंड पे फ्रंट पे यूज़र को नज़र नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये जो अप्रोच मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ ये उस सिचुएशन में तो परफेक्ट है कि अगर आपके पास लिमिटेड इलेक्शन है, लेकिन अगर आपके पास हज़ारों इलेक्शन है तो ये आपके सिस्टम को स्लो डाउन कर सकता है। और आई बिलीव कि ये कर देगा, ये सिस्टम को स्लो करेगा अगर थाउजेंड्स में आपके पास इलेक्शंस हैं तो। तो ये अप्रोच जो है मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ताकि आप जिस लेवल पे हैं बिगनर्स लेवल पे, तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये ऐसी भी चीज़ें बेसिकली होती हैं। ठीक है, आगे फिर कभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि क्रॉन जॉब आप कैसे जो ना लगा के सिस्टम को वो कर सकते हैं, ऑटो ऑटो ऑटोनोमस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है मुझे सिंपली क्या करना है, इसके अंदर ये जो स्क्रीन है मैं इसका जो है कोड ओपन कर लेता हूँ। ये है हमारे वोटर्स पैनल की इंडेक्स, वापस में आ जाता हूँ, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। ये जो इंडेक्स पेज है इस पे मैं आ गया। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, बेसिकली यही काम करना है जो कि हमने इलेक्शंस के अंदर किया था कि जब हम इलेक्शन की डेट वगैरह दे रहे थे तो वो आपका स्टेटस चेक कर रही थी। तो उसका जो मैंने कोड लिखा था वो यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा था, ये वाला कोड आपके पास पड़ा हुआ है। तो ये कोड जो है हमें रीयूज करना है अपने इंडेक्स वाले पेज पे। तो आ जाते हैं इंडेक्स वाले पेज पे। तो यहाँ पे बेसिकली जो चीज़ मुझे करनी है वो ये कि जब भी कोई भी बंदा आपके इंडेक्स पेज को खोलेगा तो ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी। और इस क्यूरी का जो बेसिकली पर्पज़ होगा वो ये होगा कि अगर कोई एक्टिव इलेक्शन है और उसको इनएक्टिव होना चाहिए तो ये क्यूरी उसको इनएक्टिव कर देगी। और इनएक्टिव क्यों करेगी, ऑब्वियस है कि जब उसकी डेट क्रॉस हो जाएगी तो उसको इनएक्टिव कर देगी। लेकिन मैं इसको इनएक्टिव नहीं, मैं इसको एक्सपायर कर दूंगा। और अगर कोई इनएक्टिव इलेक्शन हमारे पास है जिसको मुझे एक्टिव करना है तो वो भी ये क्यूरी काम परफॉर्म करेगी। ठीक है, मतलब आपको जो ना इस चीज़ की टेंशन लेने की अब जरूरत नहीं होगी, ये क्यूरी खुद ही ये काम करेगी। तो ये कैसे, इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने पीएचपी को ओपन एंड क्लोज किया और सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, रिक्वायर वंस करके अपनी जो कॉन्फ़िग फाइल है वो मैं इंक्लूड कर लेता हूँ जो कि है एडमिन के द इंक्लूड में कॉन्फ़िग फाइल। ठीक है, इसको हमने इंक्लूड कर दिया। और अब जो चीज़ मुझे यहाँ पे बेसिकली करनी है वो ये है कि मैं फेच कर लेता हूँ सारी इलेक्शंस, फेचिंग इलेक्शंस, और इसके अंदर मैं ये लगा देता हूँ माई एस क्यू एल क्यूरी डीबी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इलेक्शंस और डाई MySQL अंडरस्कोर एरर DB। ठीक है, तो ये आपने क्यूरी लगा दी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वाइल लूप चला लेता हूँ और इसके अंदर मैं ये वेरिएबल बना लेता हूँ डेटा का, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ MySQL फेच एसोसिएटिव एरे, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फेचिंग डेटा, और सॉरी फेचिंग डेटा नहीं, फेचिंग इलेक्शन, इस तरह से। ठीक है, और अब ये क्या करेगी, क्यूरी के सारी इलेक्शंस को लेके आएगी। तो जब इलेक्शंस को लेके आएगी तो उनकी कुछ चीज़ें मुझे चाहिए यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, इसकी एंडिंग डेट क्या है, सो ऑन एंड ऑन। तो यहाँ पे मुझे एक चाहिए स्टार्टिंग डेट, स्टार्टिंग डेट का नाम है स्टार्टिंग अंडरस्कोर डेट। ठीक है, तो डेटा स्टार्टिंग डेट, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ एंडिंग डेट का, जिसमें मुझे क्या रखनी है, हमारी इलेक्शन की एंडिंग डेट। तीसरा मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ करंट डेट का कि आज कौन सी तारीख है। तो यहाँ पे मैंने डेट लिख दिया और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ YMD। और चौथी चीज़ जो मुझे चाहिए वो कि इलेक्शन की आईडी मुझे चाहिए, और पांचवी चीज़ जो मुझे चाहिए यहाँ पे वो इलेक्शन का स्टेटस चाहिए।
भाई करंट स्टेटस इसका बेसिकली क्या है। ठीक है, तो ये पांच चीजें मुझे यहाँ पे चाहिए। और अब मैं सिंपली क्या करूँगा, वापस अपने ऐड इलेक्शन वाले पेज पे आ जाते हैं और यहाँ से इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इंडेक्स पे आके इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। और ये कोड मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि अगर इलेक्शन एक्टिव है तो उसको मुझे क्या करना है, इनएक्टिव, और सॉरी अगर एक्टिव है और अगर उसका टाइम गुजर चुका है तो मुझे इसको करना है एक्सपायर। और एक्सपायर करने के लिए मैं जिस डेट पे काम करूंगा स्टार्टिंग और एंडिंग डेट में से, वो मैं काम करूंगा एंडिंग डेट पे। क्योंकि एक्सपायर आप कब करते हैं, जब आप किसी भी टैबलेट वगैरह की एक्सपायरी डेट पढ़ते हैं तो वो कौन सी होती है, एंडिंग डेट होती है आपकी। मैन्युफैक्चरर डेट मतलब स्टार्टिंग, एक्सपायरी डेट मतलब एंडिंग डेट। तो यहाँ पे जब मुझे इसको एक्सपायर करना है तो मैं जो काम करने वाला हूँ वो एंडिंग डेट पे करूँगा। और अगर कोई आपकी इनएक्टिव है इलेक्शन तो उसको मुझे क्या करना है, एक्टिव करना है। तो इसको एक्टिव करने के लिए जो मैं काम करूँगा वो मैं करूँगा स्टार्टिंग डेट पे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा, इसको मैं पहले कमेंट कर रहा था, अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको समझ नहीं आया तो। मैं करने क्या वाला हूँ, जैसे लेट से ये हमारी एक इलेक्शन पड़ी हुई है, इसकी ये अभी एक्टिव है, ठीक है, और इसको 2 दिन पहले ये जो है एक्सपायर हो चुकी है। तो एक्टिव है, इसको मुझे क्या करना है, एक्सपायर करना है, क्योंकि इसकी जो एंडिंग डेट है वो गुजर चुकी है। ठीक हो गया। और लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक और जो है वो ऐड कर लेता हूँ इलेक्शन, जो कि कल स्टार्ट होनी है, तो उसमें अभी एक दिन है। तो जैसे ही कल मैं सिस्टम को ओपन करूँगा तो कल वो इलेक्शन का दिन होगा, तो वो जो इनएक्टिव है मुझे उसको एक्टिव करना है। तो वो हम उसके लिए क्या देखेंगे, स्टार्टिंग डेट देखेंगे। सिंपल सी लॉजिक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गई है। अब इसको करते हैं प्रोग्रामेटिकली। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ, और यहाँ पे कंडीशन में मैं लगा देता हूँ कि भाई अगर स्टेटस जो कि है एक्टिव तो क्या हो, एल्स इफ स्टेटस इज इक्वल्स टू इनएक्टिव। और मैं एल्स इफ इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे तीसरा स्टेटस भी रखने वाला हूँ जो कि है एक्सपायर का। अगर मैं यहाँ पे एल्स लगा दूंगा तो यहाँ पे जो कोड होगा वो इनएक्टिव पे भी परफॉर्म होगा और एक्सपायर पे भी परफॉर्म होगा, जो कि मुझे एक्सपायर पे परफॉर्म नहीं है करना, मुझे किस पे करना है, इनएक्टिव पे करना है। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे क्या किया है, एल्स एफ लगाया है। ठीक है, अब सिंपली क्या करते हैं, इस कोड को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कट, और इसको मैं लेके आता हूँ पहले इस जगह पे। ठीक है, और इस जगह पे लाने के बाद एक्टिव है, तो एक्टिव पे हमने क्या लॉजिक बनाई है, ये वाली बनाई है। तो एक्टिव स्टेटस है तो इसकी, इसको एक्सपायर करना है मुझे, और इसके लिए मैं जिस डेट पे काम करूंगा वो होगी एंडिंग डेट। एक तो हमारी करंट डेट होगी जो कि दोनों पे चलेगी, कि आज अभी करंटली कौन सी डेट है, दूसरा किसको मैं देखूंगा, एंडिंग डेट को देखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेट वन के अंदर मैं बेसिकली रख देता हूँ आपकी करंट डेट, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ आपकी एंडिंग डेट। ठीक है, ये दो डेट्स आ गई, इनका मैंने डिफरेंस निकाल दिया। और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, इको कर दिया मैंने यहाँ पे किसको, इस वाली लाइन को, ताकि देखें कि आउटपुट क्या आ रहा है इसका, क्योंकि हमारे पास करंटली एक इलेक्शन ऐड है जो कि एक्टिव है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आउटपुट आना चाहिए। तो यहाँ पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये आउटपुट आ गया। लेकिन यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले लॉगिन पे आके ये जो हमारा बैकग्राउंड है इसको मैं वाइट कर देता हूँ ताकि टेक्स्ट मुझे नजर आ सके। एक सेकेंड, रिफ्रेश। ठीक है, तो ये आपका देखिए -2 बता रहे हैं, -2 मीन्स के इस इलेक्शन को गुजरे 2 दिन हो चुके हैं, 2 दिन हो चुके हैं, दैट मीन्स के मुझे इसको क्या करना है, इनएक्टिव करना है। और इनएक्टिव करने से पहले एक और चीज मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पे, जो कि आपने सेम अप्लाई करनी है कहाँ पे, इधर इलेक्शन वाले में भी ये चीज़ आपने अप्लाई करनी है, लेकिन इस पे मैं आपको करके दिखाता हूँ, इलेक्शन वाले पे आप खुद अप्लाई कर दीजिएगा। वो ये कि मैं इसकी जो है वो डेटा टाइप देखना चाहता हूँ कि इसकी डेटा टाइप क्या है बेसिकली। तो डेटा टाइप चेक करने के लिए पीएचपी में हमारे पास एक फंक्शन होता है जो होता है वॉर अंडरस्कोर डम। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो देखिए ये मुझे बता रहा है कि ये जो -2 आ रहा है ये बेसिकली स्ट्रिंग है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, इंटीजर के अंदर। इंटीजर के अंदर इसलिए ताकि यहाँ पे जो मैं लॉजिक लगा रहा हूँ ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो, ये बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर आपके काम परफेक्टली करेंगे तब जब आप इस पे इंटीजर इस्तेमाल करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे आप 0 दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपने ऑपरेशन भी इंटीजर के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म करनी होगी। ठीक है, तो
तो ये चीज मैं यहाँ पे भूल गया था, इसको आप यहाँ पे कर दीजिएगा। वैसे तो ये हमारा परफेक्टली काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ये चीज आप परफॉर्म कर दीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपके पास कोई भी इश्यू नहीं आए। ठीक है, सिंपली क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं है करना, मुझे सिर्फ यहाँ पे जो है ना वो लगाना है, इसको कन्वर्ट करना है इंट के अंदर, बस ये इस तरह से मुझे यहाँ पे लिखना है, नथिंग एल्स, जो कि मैंने कर दिया, सेट कर दिया। आई होप कि इसमें अब कोई इश्यू नहीं होगा एड इलेक्शन में। और यहाँ पे अब मैं इधर भी आ जाता हूँ, और यहाँ पे इसकी मैंने वॉरनर्स को डम करके देखा, और अब अगर इसको मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ब्रैकेट्स के अंदर INT लिख दूंगा, जिसको हम बेसिकली कहते हैं कास्टिंग। तो यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए ये मुझे बता रहा है कि ये आपका बेसिकली है इंटीजर जिसकी वैल्यू है -2। ठीक है, तो इस लाइन ऑफ कोड को मैं कर लेता हूँ इंटीजर से लेके इस ब्रैकेट से लेके यहाँ तक मैं इसको कर लेता हूँ कट, और इसको मैं लेके आता हूँ यहाँ पे, ये जो आपका लिखा हुआ है कंडीशन, यहाँ पे मैंने इसको रख दिया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अगर वो लेस देन है 0 से तो आप मुझे इको करवा के दें इको एक्सपायर्ड। ठीक है, सिंपल ये करना है। इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, एक्सपायर्ड लिखा हुआ आ गया है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं वापस एडमिन में आ रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने ये लिखा पासवर्ड, और यहाँ पे मैं ऐड कैंडिडेट्स पे, सॉरी ऐड इलेक्शंस पे आ गया। एक इलेक्शन ऐड कर लेते हैं, न्यू इलेक्शन, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 21 ही कर रहे हैं, कोई इश्यू नहीं। और ये स्टार्ट होने वाली है कब, कल 3 तारीख को, और ये एंड होने वाली है बेसिकली कब, 10th of November। ऐड इलेक्शन कर दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ वापस अपने लॉगआउट पेज पे, और यहाँ पे अब देखते हैं कि अब हम नीचे जो है ना इस वाले इनएक्टिव वाली पे काम करते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए जो न्यू इलेक्शन है इसका जो स्टेटस है वो अभी क्या है, इनएक्टिव है। तो इनएक्टिव पे अब काम करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस सेम कोड को मैंने कर लिया कॉपी, और यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। ठीक है, और इस लाइन को मैं 1 सेकंड के लिए कर रहा हूँ कॉमेंट, ताकि एक्सपायर्ड वाली जो कंडीशन है वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करे, और यहाँ पे अब हमारा सारा फोकस होगा इनएक्टिव पे। तो इनएक्टिव पे मैंने आपको बताया था कि इनएक्टिव को मुझे क्या करना है, एक्टिव करना है, और इसके लिए मैं काम करने वाला हूँ किस पे, स्टार्टिंग डेट पे। तो इस वेरिएबल को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और एंडिंग डेट की जगह पे इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस लाइन ऑफ कोड को मैं करता हूँ कॉपी ऐसे, हाँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इको, दैट्स इट। और इस लाइन को मैं 1 सेकंड के लिए कॉमेंट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए आपको क्या बता रहा है, 1 बता रहा है। ठीक है, ये 1 आपको बता रहा है कि भाई इस इलेक्शन को स्टार्ट होने में अभी 1 दिन है। ठीक है, लेट्स से अब मैं क्या करता हूँ कि भाई ये जो इलेक्शन कल स्टार्ट होने वाली है, अब लेट्स से कि कल आ गया और कल इसको स्टार्ट होना है, तो इसको मैं एक डेट पीछे लेके आता हूँ, यहाँ पे सेकेंड डेट इसकी कर देता हूँ, और अब मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मुझे क्या बता रहा है, 0। तो जब 0 हो या 0 से वैल्यू कम हो माइनस में, माइनस में मतलब क्या, कि अब इस डेट को स्टार्ट हुए, लेट्स से कि हमारी जो ये स्टार्ट होनी थी 2 तारीख को और आज तारीख है 5, मतलब इसको स्टार्ट हुए 5 दिन हो चुके हैं, तो लेस देन वाली सिचुएशन में और 0 वाली सिचुएशन में आपके पास इसको इसको क्या करना है, एक्टिव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लाइन ऑफ कोड इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर देता हूँ, लेस देन एंड इक्वल्स टू, और यहाँ पे मुझे एक्सपायर्ड की जगह बेसिकली क्या करना है, एक्टिव, सिंपल। और अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए मुझे परफेक्टली बता रहा है एक्टिव। तो अब मैं इस लाइन को भी वो कर रहा हूँ, अनकमेंट कर रहा हूँ, और अब अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो मुझे एक्सपायर्ड एंड एक्टिव आना चाहिए। रिफ्रेश किया तो देखें एक्सपायर्ड एंड एक्टिव आपके पास परफेक्टली आ रहा है, दैट मीन्स कि आपकी लॉजिक लॉजिक जो है वो अभी परफेक्टली काम कर रही है। अब मुझे सिंपली क्या करना है, इको की जगह पे यहाँ पे मुझे क्यूरी एग्जीक्यूट कर देनी है, और वो जो क्यूरी होगी वो बेसिकली अपडेट की होगी, और अपडेट की क्यूरी बेसिकली क्या होती है, MySQL आई क्यूरी हम लगाते हैं क्यूरी को लगाने के लिए, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ और डाई MySQL आई अंडरस्कोर एरर DB। ठीक हो गया, और यहाँ पे अपडेट की जो क्यूरी है वो बेसिकली क्या है, अपडेट, और आपके टेबल का नाम क्या है, इलेक्शंस, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, सेट, और उसके बाद उस कॉलम का नाम लिखते हैं जिसकी वैल्यू आपने चेंज करनी है, मुझे किस कॉलम की वैल्यू चेंज करनी है, इस स्टेटस की करनी है, तो यहाँ पे मैंने स्टेटस लिख दिया इज इक्वल टू, इसका स्टेटस की जो न्यू वैल्यू है वो मुझे क्या रखनी है, एक्सपायर्ड, ये मैंने रख दिया, और फिर वेयर
ID इज इक्वल्स टू डबल सिंगल डबल 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 डॉट, और यहाँ पे मुझे पास करनी है इलेक्शन की ID, सिंपल इज दैट। तो ये क्यूरी यहाँ पे ये जो वेयर क्लॉज है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वेयर क्लॉज मिस कर दिया तो क्या करेगा, सारी की सारी इलेक्शन को एक्सपायर्ड कर देगा, फिर आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन सी एक्टिव थी कौन सी इनएक्टिव थी कौन सी एक्सपायर हो गई है। ठीक है, तो ये वेयर क्लॉज काफी जरूरी है ताकि ये सिर्फ उस पर्टिकुलर इलेक्शन को ही जाके एक्सपायर करे, बाकियों को टच नहीं करें। और सेम क्यूरी को मैं कर रहा हूँ यहाँ से कॉपी, और इसको मैं लेके आ रहा हूँ इस जगह पे, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मुझे सिर्फ क्या करना है, एक्सपायर्ड की जगह पे इसको मुझे कर देना है एक्टिव। ठीक हो गया, तो अब इसको आप देख लें कि ये आपका एक है एक्टिव, ये है इनएक्टिव। ये जो ऊपर वाली एक्टिव है ये आपकी जो है वो एक्सपायर हो चुकी है, और ये जो है ये अब एक्टिव होनी चाहिए। तो मैं एक दफा यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करूँगा, सिंपली एक दफा रिफ्रेश करूंगा। मतलब कोई भी एक नया यूजर, कोई नया यूजर आया और उसने आपके सिस्टम पे जैसे ही वो आया तो यहाँ पे क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई, मैंने सिंपली पेज को रिफ्रेश किया है। और यहाँ पे जब मैं आ जाऊँगा और यहाँ पे अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो इन दोनों चीज़ों को देखिएगा, रिफ्रेश किया, परफेक्ट। तो ये जो एक्टिव थी वो आपकी एक्सपायर्ड हो चुकी है, और जो आपकी इनएक्टिव थी वो एक्टिव हो चुकी है। तो ये बेसिकली हमने इसको इतना ऑटोमेटिक कर दिया है कि अब एटलीस्ट आपको मैन्युअली जाके डेली ये नहीं देखना पड़ेगा कि भाई कौन सी आज एक्टिव करनी है कौन सी इनएक्टिव करनी है, किसमें क्या करना है किसमें क्या नहीं करना। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इसका मैं कलर वापस ब्लैक कर देता हूँ, तो ये हमारी इसके अंदर जो है वो ऑटोमेशन भी लग चुकी है। अच्छा, ये मेरा देखिए, जब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये रिफ्रेश नहीं हुआ, तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो कंट्रोल F5 किया करें या कंट्रोल शिफ्ट F5 किया करें तो ये आपका कलर आ जाता है। CSS में ये मोस्ट इशू आता है। और यहाँ पे मैं अब वापस एडमिन में आ रहा हूँ। अब जो मुझे चीज़ यहाँ पे करनी है वो बेसिकली क्या करना है कि ये जो इनके रिजल्ट है वो मुझे दिखाने हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं रिजल्ट्स को शो करने के। एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप का मॉडल लगा दूँ। तो अगर मैं बूटस्ट्रैप का मॉडल लगाता हूँ तो हमारे पास अगर लेट से कल को इलेक्शंस बढ़ जाती हैं, डेटा काफ़ी बढ़ जाता है, तो जब ये पेज लोड होगा तो वो स्लो डाउन होगा। उसको स्लो डाउन होने का रीज़न है वो ये है कि इसके अंदर मुझे इमेजेस भी दिखानी है। तो अगर 100 इलेक्शन है और उसके अंदर 200 कैंडिडेट्स हैं, तो 200 कैंडिडेट्स के डेटा को एट ए टाइम जब वो लोड करेगा तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आपके सिस्टम पे कोई ना कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो इमेजेस भी लेके आ रहे हैं। और इमेजेस हो सकता है कि वो आपकी हैवी हो, हाई क्वालिटी इमेजेस आप इस्तेमाल करें, तो ये चांसेस हैं। तो इसको स्लो डाउन से बचाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जब कोई बंदा क्लिक करे तो एक नया पेज ओपन हो, और उस नए पेज पे मुझे क्या करना है, इस इलेक्शन की जो आईडी है वो मुझे पास करनी है ताकि इस आईडी के अगेंस्ट मैं इसका रिजल्ट देख सकूं। ठीक है, तो ये चीज़ कैसे करेंगे हम? बिल्कुल सिंपल है, सुनने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा लेकिन करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा हमें। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इंडेक्स पेज में बंद कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये है हमारा होम पेज, यहाँ पे मैं आ गया। तो यहाँ पे देखें ये आपका वो व्यू रिजल्ट्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं बेसिकली एक लिंक लगाऊंगा। तो लिंक क्या लगाऊंगा, इंडेक्स डॉट पी एच पी, ठीक है। और उसके बाद मुझे इसको लेके जाना है कहाँ पे, व्यू रिजल्ट्स पे। एक पेज बना लेते हैं, एक काम करते हैं एक पेज बना लेते हैं, इस इंक्लूड के अंदर एक मैं पेज बना लेता हूँ जिसको मैं नाम दे देता हूँ व्यू रिजल्ट्स डॉट पी एच पी, और ये हमारा डायनामिक पेज होगा। ठीक है, ये पेज बन गया है और ABC के अंदर मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, इस पेज को ओपन करना है। इस पेज को ओपन करने के लिए मुझे यहाँ पे सिंपली क्या करना होगा, पे बाई अरे, ठीक है, इंडेक्स डॉट पी एच पी क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, व्यू रिजल्ट, व्यू रिजल्ट इज इक्वल्स टू, और इज इक्वल टू के बाद यहाँ पे मुझे वन पास नहीं करना, वन तो बेसिकली ट्रू के लिए होता था ना। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, उस इलेक्शन की आईडी पास करनी है जिस इलेक्शन के रिजल्ट्स आपने देखने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्शंस ऑलरेडी आ रही है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ इलेक्शन आईडी के नाम से, और जिसके अंदर मैं रखने वाला हूँ इसकी आईडी। तो अब यहाँ पे वन की जगह जो हम यहाँ पे वन रखते थे, यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, इलेक्शन की आईडी पास करने वाला हूँ, इलेक्शन आईडी इस तरह से। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखें जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये आपका व्यू रिजल्ट ओपन हो गया, और इधर ऊपर क्या आ गया, टू आ गया आपका, परफेक्ट है।
और इसको मैं बैक कर रहा हूँ, और यहाँ पे आके मैंने इस वाले बटन पे क्लिक किया व्यू रिजल्ट पे, तो ये आपका व्यू रिजल्ट वाला पेज आ गया, और इस पे देखिए 5 आ गया परफेक्टली। लेकिन मसला ये है कि जब मैं व्यू रिजल्ट वाले पेज को ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ABC लिखा था, लेकिन यहाँ पे ABC आपको कहीं भी लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने अपने इंडेक्स पेज के अंदर जो हमारे कंट्रोलर्स बने हुए हैं, यहाँ पे मैंने ये चीज मेंशन नहीं की। तो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, इफ इट सेट डॉलर अंडरस्कोर गेट व्यू रिजल्ट, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया हमने इसको, और यहाँ पे जब ये कंडीशन हो तो आपने किसको लेके आना है, रिक्वायरमेंट्स करके व्यू रिजल्ट डॉट PHP वाले पेज को लेके आना है, जो कि है इंक फोल्डर के अंदर। तो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए परफेक्टली ABC आपके पास आ रहा है, ठीक हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो कैंडिडेट हमने बनाए थे कहाँ पे, उस जगह पे वोटर्स पैनल के अंदर, वोटर्स पैनल में जो हमने कैंडिडेट दिखाए थे ना, किस तरह से उसकी तस्वीरें आ रही थी और फिर उनके वोट्स बता रहे थे, तो यहाँ पे मैं सेम वो चीज़ करने वाला हूँ रिजल्ट दिखाने के लिए। तो मैं वोटर्स वाले पैनल पे आ रहा हूँ, इंडेक्स डॉट PHP के अंदर मैं आ गया, और यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ कि भाई आपका ये जो डिव है इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, और इस सारे के सारे कोड को मैं यहाँ तक, स्क्रिप्ट की मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने कॉपी कर लिया वोटर्स वाले पैनल में से, और व्यू रिजल्ट के अंदर आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पे अपना जो हमारा पेज है, होम पे आ गए, व्यू रिजल्ट पे क्लिक किया, तो ये देखिए आपका जो पेज था वो वोटर्स पैनल वाला, वो यहाँ पे आ चुका है। अब इसको हम अपने अकॉर्डिंग कोड करते हैं, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, वापस आगे ऊपर व्यू रिजल्ट वाले पेज में, तो सबसे पहले मुझे जो चीज़ यहाँ पे करनी है वो ये करनी है कि इस टाइम पे मैं कौन सी इलेक्शन देख रहा हूँ, उसकी ID मुझे यहाँ पे मिल रही है, तो इसको मैं यहाँ से इसको मुझे यहाँ से गेट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्शन अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर गेट व्यू रिजल्ट। ठीक है, इलेक्शन की ID मुझे मिल गई, और इको करने की जरूरत ही नहीं, ऊपर नजर आ रहा है ऑलरेडी, यहाँ पे देखिए 2 और थोड़ी देर पहले 5 लिखा हुआ था। ओके, सो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, वोटर्स पैनल की जगह पे मैं कर देता हूँ इलेक्शन रिजल्ट्स, ठीक है, और यहाँ पे मुझे एक्टिव इलेक्शंस की जगह पे क्या करना है, फेचिंग, या इस नाम को ऐसे ही रहने दें, वैसे भी मुझे सिर्फ इसकी जो है वो कंडीशन ही चेंज करनी है। अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो मुझे ये जहाँ पे भी वेरिएबल्स लगे हुए मुझे हर जगह पे चेंज करना होगा, तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इलेक्शंस, वेयर स्टेटस की जगह मैं करूंगा ID, आपकी जो ID है वो किसके इक्वल हो, डबल सिंगल डबल 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 डॉट, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ इलेक्शन ID, और ये जो मैं डबल सिंगल डबल डबल कर रहा हूँ ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख लें, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, या पीछे सीरीज में मैंने इसको मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे देख लें। तो इसको मैंने रिफ्रेश किया जैसे ही, तो देखें सिर्फ मैंने क्या किया, ID को चेंज किया, बाकी मुझे चेंज कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो आपके पास यहाँ पे आ गया है कि भाई इलेक्शन का टॉपिक था, क्लास मॉनिटर इतने, ये आपके फोटोज आ गए, ये कैंडिडेट्स की डिटेल आ गई, और ये आपके नंबर ऑफ वोट्स और सारी डिटेल्स आ गई, और यहाँ पे वोट वगैरह आ रहा है, इस वोट वगैरह की जगह पे मुझे ये वोट नहीं दिखाने, नंबर ऑफ वोट्स बस दिखाने हैं, एक्शन की मुझे यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इस एक्शन को मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे भी ये जो आपका एक्शन है, ये जो इतना आपका हमने कोड लिखा था STR के अंदर कि भाई कैंडिडेट फोटो हो गई चेक, ये वाला जो कोड है बेसिकली इसको मुझे हटा देना है सारे को, बल्कि ये जो इस TD के अंदर आ रहा है, इस कंप्लीट TD को ही मुझे उड़ा देना है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो देखिए ये अब आपका पेज इस तरह से हो गया है। और अब यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ एक टास्क, वो ये कि आप एक यहाँ पे कॉलम बनाएं, और उस कॉलम का आप कुछ भी नाम दे दें, और यहाँ पे लिखा हुआ हो विनर, जैसे अली के अगर वोट ज्यादा है तो यहाँ पे अली के सामने विनर लिखा हुआ हो और शेब के सामने लूजर लिखा हुआ हो, और अगर शेब के वोट ज्यादा है अली के कम है तो वो आपके यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए कि भाई शेब विनर है अली लूजर है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, ये मैं आपको दे रहा हूँ टास्क, ये आपने मुझे करके दिखाना है फेसबुक पेज पे, फिर आपने मुझे भेजना है, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया, अब मुझे फाइनली क्या करना है इसके अंदर कि भाई किसने वोट दिए हैं। वैसे तो ये चीज़ अच्छी है कि हम ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं, हम यहाँ पे ये चीज़ नहीं रख रहे कि भाई किसने किसको वोट दिया है। अगर ऐसे हमने किया तो कल को अगर मैंने एक बंदे को पैसे दे दिए 10,000 कि भाई तुम्हें मुझे वोट देना है,
और उसने मुझसे 10,000 लिए और जाके वोट किसी और को दे दिया, तो यहाँ पे मैं एडमिन के पास आके ये देख सकता हूँ कि मुझे फिलहाल बंदा देख के दे कि इसने किसको वोट दिया है, तो यहाँ पे फड्डे हो सकते हैं। तो नाउ इट्स अप टू यू, फड्डे करवाने हैं तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, अपने रिजल्ट्स दिखा देते हैं कि भाई किसने किसको बेसिकली वोट दिया है। तो यहाँ पे ये चीज करने के लिए क्या करेंगे हम, सेम तरीके से मुझे यहाँ पे बनाना होगा टेबल। तो टेबल बनाने से पहले मैं यहाँ पे HR लगा रहा हूँ। HR बेसिकली क्या करता है, एक लाइन जो है वो बना देता है, ये देखें हल्की सी लाइन आ गई है, और इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ वोटिंग डिटेल्स। तो H3 के अंदर मैं कर देता हूँ वोटिंग डिटेल्स, और इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, उसको क्लास दे देता हूँ मैं टेबल की। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, TR मैंने लिखा, TD लिखा, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, एक सीरियल नंबर चाहिए, लेट्स से इसको मैं TH के अंदर लिख रहा हूँ, और इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ 3-4 दफ़ा। उसके बाद है वाटर नेम, कि भाई वाटर कौन है, उसका जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो क्या है, वॉटेड टू, और किस डेट को दिया, डेट एंड टाइम, ये चीज़ हम यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है। और इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये आपका टेबल बन गया। अब इसके अंदर मुझे डेटा फेच करना है, तो डेटा को फेच करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक काम करते हैं, इसको मैं रख देता हूँ टी हेड के अंदर। अगर मैं टी हेड के अंदर नहीं रखूँ तो भी इश्यू नहीं है, यह मोस्टली तब रखते हैं जब हम प्रिंटिंग श्रिंटिंग कर रहे होते हैं, तो टी हेड और टी बॉडी का हम ख्याल रखते हैं, लेकिन ये भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ कि भाई एक मैं यहाँ पे क्यूरी चला देता हूँ, और उस क्यूरी में मुझे बेसिकली क्या करना है, फेचिंग वोट डिटेल्स इज इक्वल्स टू माई एस क्यू एल आई क्यूरी, माई एस क्यू एल आई क्यूरी, और इसके अंदर मैं रख रहा हूँ DB एंड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वोटिंग का क्या हमने बनाया था, वोटिंग्स हमने बनाया था, तो ये मैंने रख दिया यहाँ पे वोटिंग्स, वेयर इलेक्शन अंडरस्कोर ID इज इक्वल्स टू, ऊपर हमने इलेक्शन ID का वेरिएबल बनाया हुआ है वो मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। और फिर मुझे यहाँ पे क्या करना है कि भाई अगर इलेक्शन अगर यहाँ पे वोट्स हैं तो हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ वोट्स MySQL अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज, और इसके अंदर मैं रख देता हूँ फेचिंग वोट डिटेल्स, और यहाँ पे एक कंडीशन लगा देता हूँ कि भाई इफ नंबर ऑफ वोट्स इज ग्रेटर देन 0 तो क्या हो, एंड एल्स में क्या हो, एल्स में मुझे सिंपली क्या करना है, इको करवाना है नो एनी वोट डिटेल इज अवेलेबल। अगर अवेलेबल है तो क्या करना है, मुझे यहाँ पे वाइल लूप चलाना है, और यहाँ पे मुझे इसको क्या करना है, MySQLi अंडरस्कोर पेज अंडरस्कोर एसोसिएटिव एरे, और इसके अंदर मुझे सिंपली क्या करना है कि भाई क्या नाम है, फेचिंग वोट डिटेल्स, इसको मैंने कॉपी किया एंड पेस्ट किया, और यहाँ पे मुझे सिंपली क्या करना है, इनकी डिटेल्स देनी है। तो डिटेल्स देने के लिए सबसे पहले एक काम मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ सीरियल नंबर का, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, PHP को क्लोज किया एंड रीओपन किया, एंड यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, TR को ओपन एंड क्लोज किया एंड TD बना ली, और इस TD के अंदर मुझे बेसिकली क्या चाहिए, इसके इसके मैं कॉपीज बना लेता हूँ पहले। TD के कितने कॉपीज चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 6 चीज़ें दिखानी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो फर्स्ट में मुझे क्या दिखाना है, सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर को के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सीरियल नंबर प्लस प्लस कॉल सेमी कॉलन, और यहाँ पे आके अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए आपके पास 3 वोट कास्ट हुए थे, तो 3 आपके पास आ गए हैं, ठीक हो गया जी। और उसके बाद मुझे चाहिए वोटर का नाम, तो वोटर का नाम हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पे हमें क्या मिल रही है, वोटर्स ID मिल रही है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वोटर्स ID इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, डेटा और वोटर्स ID, ठीक है, ये ऐसे हमने लिख दिया इसके अंदर। अब मुझे इसका जो है वो नाम चाहिए, सो नाम जो है इसका है वोटर ID, तो मुझे यहाँ से मिल गई है, और इसका जो नाम है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, यूजर्स टेबल के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है।
तो यूजर्स टेबल में, यूजर्स टेबल से मुझे इसका नाम फेच करना होगा। तो यहाँ पे अगेन मुझे क्या करना होगा, फेचिंग यूजर नेम इज इक्वल्स टू माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर क्यूरी, क्यूरी क्यू यू ई आर वाई क्यूरी डी बी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर आई डी इज इक्वल्स टू दिस दिस वॉट वोटर्स आई डी, ठीक हो गया। और डाई माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर एरर डी बी, परफेक्ट है। अब मुझे सिंपली यहाँ पे क्या करना है भाई के आप इसका जो है मुझे नाम निकाल के दे दें, नाम निकाल के तब दें इज डेटा अवेलेबल। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि हो सकता है कि जिस बंदे ने वोट दिया है आपने उसका अकाउंट डिलीट कर दिया हो, तो यहाँ पे मुझे कुछ ना एरर दिखाने के बजाय कुछ ना कुछ मैसेज शो कर दे, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर नम अंडर स्कोर रोज, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका फेचिंग यूजर नेम, ठीक हो गया। और इफ इज डेटा अवेलेबल इज ग्रेटर देन जीरो, अगर डेटा है मतलब यूजर है वहाँ पे, तो क्या करें, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाए यूजर नेम का, और उसके अंदर क्या करें, इससे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, डेटा या यूजर डेटा इज इक्वल टू माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर फेच अंडर स्कोर एसोसिएटिव एरे, और इसके अंदर मुझे क्या रखना होगा, फेचिंग यूजर नेम इस तरह से। और यहाँ पे मुझे यूजर नेम में क्या करना होगा, यूजर डेटा विच शुड बी इक्वल टू यूजर नेम, ठीक है। और हाँ ये अगर ये है तो यूजर नेम दिखा दे, अदरवाइज मुझे यहाँ पे मैसेज शो कर दे। यूजर नेम वेरिएबल के अंदर ही हम वो लिख देते हैं नो डेटा, सिंपल। अब यहाँ पे मुझे सेकंड टीडी में क्या दिखाना है, ये जो ऊपर हमने वेरिएबल बनाया है यूजर नेम, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ इको। तो अब अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो देखिए परफेक्टली इनके नाम जो है वोटर्स के नाम है वो आ रहे हैं। सेम तरीके से अब मेरे पास वोटर की डिटेल सारी आ रही है, तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे यूजर नेम रखा हुआ है, तो यहाँ पे यूजर नेम के साथ साथ मुझे क्या चाहिए इसका, इसका कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए। तो इस लाइन को अगर मैं यहाँ पे ऊपर रख दूँ तो क्या कोई इश्यू होगा, आई होप कि कोई इश्यू नहीं होने वाला, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो है कॉन्टेक्ट नंबर यूजर डेटा, और इसको मैं कर देता हूँ कॉन्टेक्ट नंबर किस नाम से है, कॉन्टेक्ट अंडर स्कोर नंबर, क्योंकि कॉन्टेक्ट नंबर मुझे वोटर का चाहिए, ठीक। ये मैंने यहाँ पे रख दिया। और यहाँ पे अब मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, पी एच पी इको कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक हो गया। और अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए कॉन्टेक्ट नंबर भी आ गया। सेम तरीके से डेट एंड टाइम भी चाहिए मुझे, डेट एंड टाइम मुझे बेसिकली कहाँ पे मिल रही है, आपकी वोटिंग्स के अंदर मिल रही है, वोट डेट वोट टाइम। तो ये तो मैं डायरेक्ट डेटा लिख के ये वाला लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो पहले ये भी लिख देते हैं, फिर हम वोटेड टू निकाल देते हैं डेटा, और क्या नाम है वोट डेट इस तरह से। और यहाँ पे इको डेटा वोट टाइम इस तरह से। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए डेट भी आ गई टाइम भी आ गया कि किस टाइम को इन्होंने वोट दिया था बेसिकली। अब वोटेड टू की जगह पे मुझे क्या करना है, सेम प्रोसीजर ये वाला अप्लाई करना है, फेचिंग यूजर नेम वाला। इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, इतना सारा कोड, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ फेचिंग कैंडिडेट नेम माइस्कल है क्यूरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, यूजर्स की जगह क्या हो जाएगा कैंडिडेट डिटेल्स, यही नाम है हमारे टेबल के अंदर डेटाबेस में, हाँ कैंडिडेट डिटेल्स वेयर आई डी इज इक्वल्स टू आई डी, यहाँ पे किसके इक्वल होनी चाहिए कैंडिडेट आई डी के। तो यहाँ पे वोटर्स आई डी के साथ साथ हम एक दूसरा वेरिएबल भी बना लेते हैं जिसमें मुझे रखनी है कैंडिडेट आई डी, और इसको भी मैं इस तरह से रख देता हूँ कैंडिडेट आईडी, ठीक है।
तो इस आईडी के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको कैंडिडेट वेयर आईडी इज इक्वल्स टू कैंडिडेट आईडी, ठीक हो गया। अब इसमें भी हम ये करते हैं इस डेटा अवेलेबल, ठीक है, और यहाँ पे मैं इस वाले वेरिएबल को पास कर देता हूँ और यूज़र डेटा की जगह हम लिख देते हैं कैंडिडेट डेटा, और यहाँ पे भी मैं इस वेरिएबल को पास कर देता हूँ फेचिंग कैंडिडेट नेम। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस डेटा अवेलेबल ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कैंडिडेट नेम, क्योंकि कैंडिडेट भी तो डिलीट हो सकता है ना। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको कैंडिडेट नेम क्या है, कैंडिडेट नेम है कैंडिडेट नेम, ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर इसका नहीं चाहिए। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस वेरिएबल को ही रिपीट करना है, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, नो डेटा, ठीक है। अब कैंडिडेट नेम को मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे इको करवा देता हूँ, परफेक्ट हो गया। सो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, ओके एरर आ गए, तो क्या कह रहा है, 107 लाइन पे आपके पास एरर है कैंडिडेट नेम में। सो लाइन नंबर 107 ये है, सही है, बिल्कुल सही कह रहा है, यहाँ पे यूजर डेटा नहीं आएगा, कैंडिडेट डेटा आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँ तो देखें, अली अली शेब, इन दो बंदों ने अली को वोट दिया, इसने शेब को, लेकिन इस बंदे ने तो मुझसे पैसे दिए थे ना, चलो इसको पकड़ते हैं। तो ये था बेसिकली आपका जो है रिजल्ट्स का टेबल। अब लेट से अगर मैं आ जाता हूँ वापस होम के अंदर, और अब मैं न्यू इलेक्शन पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें मुझे बता रहा है इलेक्शन टॉपिक न्यू इलेक्शन, हाँ यही नाम है, और वोटिंग डिटेल्स नो एनी वोट डिटेल इज अवेलेबल, और नो एनी वोट इज अवेलेबल है जब, तो फिर तो इसको टेबल भी नहीं दिखाना चाहिए ना, कहाँ पे हमने मिस्टेक की है, मिस्टेक हमने की होगी कुछ इस जगह पे कि टेबल भी इसको नहीं दिखाना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को मैंने यहाँ से कर लिया कट, इसको मैं थोड़ा सा पीछे लेके आया इंडेंट करके, इनको भी थोड़ा पीछे लेके आया, पीछे लेके आया, और इस जगह पे मैं करने वाला हूँ इस टेबल को स्टार्ट। वाइल के अंदर नहीं कीजिएगा, नहीं तो टेबल ही टेबल आ जाएंगे साथ हर जगह पे। इसको वाइल से पहले मैंने स्टार्ट कर दिया इस तरह से, और ये फिर वाइल लूप चला, सारे आपके बने, और जहाँ पे आपका वाइल लूप खत्म हो रहा है इस जगह पे, यहाँ पे मैं इको करके टेबल को कर देता हूँ क्लोज कुछ ऐसे। अब अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए आपका जो टेबल आ रहा था वो गायब हो गया, ठीक है। अब अगर मैं वापस आ जाऊँ 1 सेकंड के लिए होम पे, और इस वाले पे आके देखें, तो यहाँ पे देखें टेबल आ रहा है, तो देखिए ये परफेक्टली आ रहा है। तो पेज एक ही है लेकिन हर रिजल्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंटली काम कर रहा है, आज जिसको फाइनल करके रहना है। तो अब मैं सिंपली क्या करता हूँ कि यहाँ पे हमने दो बटन्स बनाए थे, एक डिलीट का एक एडिट का, तो यहाँ पे जो है मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि आप किस तरह से डेटा को डिलीट कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं, ताकि इन केस आपको ये फंक्शनलिटी लगानी हो तो आप सेम प्रोसेस को रिपीट करके कैंडिडेट में हर जगह पे, जहाँ पे भी एडिट डिलीट आपने बनाए हैं हर जगह पे लगा सकते हैं सेम प्रोसेस फॉलो करके। तो सबसे पहले आते हैं कि ये हमारा कौन सा एड इलेक्शन वाला पेज है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, अब ये स्टाइल की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको भी मैंने क्लोज कर दिया। एड इलेक्शन वाला पेज है, और यहाँ पे आपका बना हुआ है कुछ बटन्स बने हुए हैं एक्शन के अंदर, तो ये देखिए डिलीट बना हुआ है, सबसे पहले डिलीट की फंक्शनलिटी लगा देते हैं। तो डिलीट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जब बंदा इस डिलीट के बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पे एक मैसेज हो, आर यू श्योर या आर यू रियली वॉन्ट टू डिलीट दिस डेटा, फिर मैं उसको ओके करूँ तो ये डेटा डिलीट हो। अदरवाइज ऐसे ना हो कि गलती से किसी का हाथ लग गया और डेटा डिलीट हो गया, ऐसे नहीं है करना। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि भाई ये काम होगा आपका, सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं हैरफ से हटा के, लिंक से हटा के इसको मैं कर देता हूँ बटन ऐसे, ठीक है, ये बटन हो गया हमारा, और ये देखें यहाँ पे भी बटन क्लोज हो गया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ ऑन क्लिक, जब इस पर क्लिक हो तो हमारा एक फंक्शन कॉल हो डिलीट डेटा, ठीक है, ये कॉल हो, और इसमें मुझे जो चीज़ पास करनी है वो क्या पास करनी है,
कि भाई कौन सी इलेक्शन है, अगर आप कैंडिडेट को करें तो आपको कैंडिडेट की आईडी पास करनी होगी, अगर आप इलेक्शन करें तो उसकी आईडी पास करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ इलेक्शन आईडी के नाम से, जो कि मुझे इस रो वेरिएबल से मिल रहा है, जो यहाँ पे हम लिखेंगे आईडी। ये अब हम इतनी दफ़ा करके आए हैं कि आपको ये चीज़ रट गई होगी। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और इस वेरिएबल को मैं पास कर लेता हूँ इस जगह पे कुछ इस तरह से। पीएचपी को ओपन एंड क्लोज किया एंड यहाँ पे मैंने इको कर दिया इलेक्शन आईडी कुछ इस तरह से। ठीक है, अब जब इसके ऊपर क्लिक हो तो उस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, डिलीट डेटा वाले फंक्शन को कॉल करना है। तो यहाँ पे मैं एक एरो फंक्शन बना लेता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो फंक्शन का नाम है कॉन्स्टेंट डिलीट डेटा इज इक्वल्स टू ई आई डी। ठीक है, और फिर यहाँ पे मुझे इसको क्या करना है, अलर्ट करना है ई अंडरस्कोर आई डी को, ये देखने के लिए कि क्या वाकई में जो है वो आई डी आ रही है हमारे पास। तो इसको मैंने जैसे क्या इस न्यू इलेक्शन मैंने बटन पे क्लिक किया तो देखिए 5 मेरे पास आ रहा है। ओके, तो अब 5 की जगह पे मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक लेट सी इज इक्वल टू कन्फर्म, और इसके अंदर मैं बेसिकली क्या कर देता हूँ, ये जो कंफर्म वेरिएबल है बेसिकली ये क्या करता है, ये जो कंफर्म फंक्शन है बेसिकली क्या करता है, एक पॉपअप बनाता है, दिखाता हूँ मैं आपको उसके अंदर क्या लिखा हुआ हो, आर यू रियली वॉन्ट टू डिलीट इट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इफ सी इज इक्वल टू ट्रू तो यहाँ पे अलर्ट हो क्या डेटा डिलीटेड। तो यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, अब मैंने डिलीट पे क्लिक किया तो ये देखिए ये जो आपके पास आ रहा है ना, आर यू रियली वॉन्ट टू डिलीट इट, ओके एंड कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है। ये बेसिकली किसकी वजह से आ रहा है, ये इस कंफर्म की वजह से आ रहा है। अब अगर मैं इसको ओके करूंगा तो आप देखिएगा क्या आ गया, डेटा डिलीटेड। डेटा डिलीट नहीं हुआ, सिर्फ मैंने यहाँ पे ये इको किया है। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा डिलीटेड की जगह पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको एक यहाँ पे इसकी इसकी ये जो आईडी है इसको मैं पास करने वाला हूँ कहाँ पे, इस जगह पे यूआरएल में, और फिर इस यूआरएल से उठा के मैं इस डेटा को उड़ा दूंगा। कैसे देखते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लोकेशन डॉट असाइन, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं लेकिन एक ये भी तरीका है। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस कोड को मैंने इस लिंक को मैंने यहाँ से किया कॉपी पेस्ट एंड यहाँ पे मैं एंड लगा के कह देता हूँ डिलीट आई डी इज इक्वल्स टू वॉट, ये ई आई डी जो यहाँ पे हमने लिखी हुई है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, प्लस का मैं बटन दे रहा हूँ और ई अंडर स्कोर आई डी मैंने इसके अंदर लिख दिया। अब अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँ और अब अगर मैं इस डिलीट पे क्लिक करूँ और ओके करूँ तो ऊपर देखिएगा लिंक में ओके किया, तो ये देखिए डिलीट आई डी का एक वेरिएबल बन गया और उसकी आई डी आपके पास यहाँ पे आ गई है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया और अब मैं क्या करता हूँ, वापस ऊपर आ जाता हूँ जहाँ पे ये हमने लिखे हुए थी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करता हूँ, एल्स इफ डॉलर अंडरस्कोर गेट, इससे भी पहले मैं एक काम करता हूँ, बिल्कुल टॉप पे इफ इस सेट डॉलर अंडरस्कोर गेट, बल्कि सही है मेरे ख्याल में, मैं यहाँ पे ये चीज़ कर सकता हूँ ऐसे, इफ इस एल्स इफ इस सेट डॉलर अंडरस्कोर गेट, यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगा, डिलीट आईडी, आईडी मिल गई। तो यहाँ पे मैं इस वेरिएबल के अंदर, वैसे मैं इसको डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, जब ये आ जाए यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, MySQL की क्यूरी चलानी है, हर चीज के लिए क्यूरी ही चलेगी क्योंकि डेटाबेस में काम कर रहे हैं आप, और डाई MySQL एरर DB, और सबसे आसान क्यूरी है आपकी डिलीट की। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिलीट फ्रॉम, और आपकी जो टेबल का नाम है वो क्या है, इलेक्शंस है, या आप उस टेबल का नाम लिखेंगे जहाँ से आप डिलीट कर रहे हैं, इलेक्शंस वेयर आईडी इज इक्वल्स टू कुछ इस तरह से डॉलर अंडरस्कोर गेट, और इसके अंदर मुझे क्या करना है, ये डिलीट आईडी ऐसे पास कर देनी है इस तरह से। तो यहाँ पे ये मुझे एरर दिखा रहा है, डिलीट फ्रॉम इलेक्शंस वेयर आईडी इज इक्वल टू डबल सिंगल डबल 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 डॉट, सही तो है। एक काम करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डी आई डी
और ये चीज अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँ ऐसे, और अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल पास कर देता हूँ ये डीआईडी वाला, क्या अब भी इधर आ रहा है? आ रहा है। डिलीट फ्रॉम इलेक्शंस वेयर आईडी इज इक्वल टू माय, हाँ, सही है सही है सही है। यहाँ पे मैंने डीबी नहीं लिखा, तो ये वाला भी सही था जो मैंने लिखा था ना डॉलर को गेट डिलीट, ये भी ठीक था। मैं यहाँ पे मैंने डीबी लगाना मैं भूल गया था, तो ये डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, पीएचपी को मैंने किया क्लोज रीओपन, और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी कुछ इस तरह से, और इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे एसएम, और इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, ये हो आपका डेंजर, और यहाँ पे हम करते हैं योर इलेक्शन हैज बीन डिलीटेड सक्सेसफुली, सेव किया, और यहाँ पे आके इसको मैं कर देता हूँ रिफ्रेश, परफेक्ट। तो ये देखिए इलेक्शन हैज बीन डिलीटेड सक्सेसफुली, और ये जो आपकी इलेक्शन थी यहाँ से उड़ चुकी है। तो यहाँ तक हमारा जो है वो तकरीबन सारी चीजें हो गई हैं। अब आते हैं इलेक्शन एडिट के बटन पे, लेकिन एडिट के बटन पे आने से पहले यहाँ पे मैं आपको एक और टास्क देना चाहता हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए कि आपकी कितनी लर्निंग यहाँ तक हुई है, क्योंकि कोर्स तो हमारा, ये जो हमारा मिनी प्रोजेक्ट है ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जो चीज़ मुझे सिखानी थी आपको वो तकरीबन हो चुकी है। ये डिलीट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री था। वैसे अब आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ, टास्क ये है कि एडिट के बटन की जो फंक्शनैलिटी है वो मुझे आपने बना के दिखानी है, क्योंकि एडिट के एडिट की एडिट के लिए जो हम क्यूरी बेसिकली लगाते हैं वो अपडेट की क्यूरी है, और अपडेट की क्यूरी में आपको ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले दिखा चुका हूँ, जब हम ऑटोमेटिकली वो क्या कर रहे थे आपका कोड एक्टिव इनएक्टिव कर रहे थे, तो वहाँ पे आपने अपडेट की क्यूरी जो है वो देख ली है। तो इस पे मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि आप इसको कैसे कर सकते हैं, लेकिन ये बना के मुझे आपने दिखाना है, तो हिंट नहीं बल्कि मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। तो ये जो हमने होम का जो बनाया था ना, इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर रहा हूँ, ये देखें ये बटन है, एडिट में भी यहाँ पे बटन है, ठीक है। इसके लिए मैंने यहाँ पे व्यू रिजल्ट के लिए मैंने क्या किया था, एक अलग से पेज बनाया था, इसके लिए भी आप क्या करेंगे एक अलग से पेज बनाएंगे, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने इलेक्शन की आईडी पास की थी, यहाँ पे भी आपने उस इलेक्शन की आईडी पास करनी होगी, और अगर कैंडिडेट है तो कैंडिडेट की आईडी आपने पास करनी होगी, वो आप आईडी पास करेंगे उस पेज पे, फिर आप उस आईडी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे डेटा को फेच करेंगे और इस फॉर्म के अंदर उन वैल्यूज को रख देंगे, ठीक है। वैल्यूज को रखने के बाद अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करता हूँ तो उस इलेक्शन आईडी के अगेंस्ट वो चीज़ अपडेट होनी चाहिए। तो ये है आपका टास्क, ये आप लोगों ने मुझे बना के दिखाना है, और ये है जो है बेसिकली मेरा फेसबुक का पेज। अगर आपको आपसे ये चीज़ नहीं बनती, ऐसे नहीं है कि आपने ट्राई भी नहीं किया और आप आ गए कि मुझसे नहीं बन रहा, अगर आप ऐसे मेरे पास आए तो मैं आपसे लाजमी पूछूंगा कि आपसे क्यों नहीं बन रहा, कि आपने वीडियो ठीक से नहीं देखी थी, कि आपने ठीक से इसको समझा नहीं था, तो ये चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा, ऐसे डायरेक्टली आपको मैं नहीं बताने वाला, ठीक है ना। और ये पेज है, यहाँ पे आके आपने मुझे इस पे बताना है। तो ये जो हमारा वोटिंग सिस्टम है यहाँ पे कम्प्लीट होता है, तो आई होप कि यहाँ तक आपकी जो लर्निंग है वो कुछ ना कुछ तो इम्प्रूव हुई होगी, कुछ ना कुछ तो आपने सीखा होगा शायद, ठीक है, क्योंकि अगर आपको सारी चीजें आती तो आप ये देखते ही नहीं, आपने देखा है दैट मीन्स कि आपको इसकी जरूरत थी, आपको कुछ नई चीज सीखनी थी, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो आपने सीखा ही होगा इससे, ठीक हो गया। तो अगर आपको इस कंप्लीट कोर्स में मजा आया है तो सिर्फ एक मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वो ये कि काइंडली आप इस वीडियो को बेशक लाइक नहीं करें, बेशक आप कॉमेंट नहीं करें, बेशक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, एटलीस्ट ये करें कि आप अपने एटलीस्ट एक या दो दो उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अकेडमी की जो है फीसेस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, ताकि और वो सीखना भी चाहते हैं, ताकि ये जो है हमारा जो जो मेरा मेन पर्पस है वीडियोस बनाने का वो है लोगों की हेल्प आउट करना, उन लोगों की स्पेशली जो के सीखना चाहते हैं लेकिन अफोर्ड नहीं कर पाते फीसेस वगैरह, तो मेरा मेन मोटिव ये है। तो आप काइंडली उनके साथ लाजमी शेयर करें और मुझे कमेंट में ये बता दें कि क्या ये प्रोजेक्ट ठीक था, मतलब इस तरह के और प्रोजेक्ट हमें बनाने चाहिए, और अगर हमें बनाने चाहिए तो आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में बता दें, ताकि हम उस पर वर्किंग स्टार्ट करें और आपकी स्किल्स को बेहतर से बेहतर बना सकें, ताकि आप जब पास आउट हो तो आपके हाथ में जॉब हो इंशाल्लाह।
तो मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।